रवि किशन के फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स पर बयान पर जया बच्चन को एतराज, राज्यसभा में दिया बयान। जया बच्चन ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। तेलंगाना बीजेपी का पलटवार, जया को बताया पाखंडी। थैंक यू मां, उसमें छेद करते हैं। सांसद रवि किशन ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि जया जी मेरा समर्थन करेगी, उन्होंने मेरा बयान ध्यान से नहीं सुना। नए विवाद में कंगना की एंट्री, कहा अगर श्वेता और अभिषेक के साथ ये होता तब भी यही कहती जया जी। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा, जैसे क्रिकेट पर था ड्रग का साया, वैसे ही बॉलीवुड पर भी संकट। कंगना ने कहा, यह मानसिकता है कि गरीब को रोटी मिले तो यह काफी है, लेकिन रोटी के साथ सम्मान और प्यार भी चाहिए। कंगना ने कहा, मेरे पास कामगारों और जूनियर आर्टिस्ट के लिए सुधारों की लंबी लिस्ट है। कंगना ने उम्मीद जताई, अगर एक दिन मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री से मिलूंगी तो इस पर जरूर विचार करूंगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2016 में रिटायर्ड सैनिक पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए, बीजेपी विधायक थे आरोपी। सुशांत केस में ईडी ने फिल्म निर्माता दिनेश विजान का दर्ज किया बयान, सुशांत के साथ बनाई थी फिल्म राब्ता। विजान को ईडी ने कल भेजा था समन, करीब 8 घंटे तक हुई पूछताछ। सुशांत के लिए काम करने वाले कुछ और फिल्म निर्माताओं को समन भेज सकती है ईडी, 15 करोड़ रुपए को लेकर पूछताछ। सुशांत केस में शुक्रवार को आ सकती है विस्तृत रिपोर्ट, 20 सितंबर को एम्स के डॉक्टर्स के पैनल की मीटिंग। अगले हफ्ते सीबीआई अधिकारियों से मिलेंगे एम्स के डॉक्टर, बताएंगे कि ये मौत थी या खुदकुशी। सुशांत केस से जुड़े ड्रग मामले में एक और बड़ा खुलासा, पावना डैम के टापू पर होती थी नशे की पार्टी। एनसीबी के सामने जगदीश गोपीनाथ दास ने दिया बयान, 2018 में अब्बास अली के साथ आए थे सुशांत सिंह राजपूत। बयान में कहा, सुशांत सिंह के साथ आती थी रिया और सारा अली खान। सुशांत के साथ आने वाली टीम में होते थे कुछ और लोग, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक जैत का भी नाम। एनसीबी के मुताबिक रिया ने भी अपने बयान में सारा अली खान, सिमोन कंबाटा, रकुल का लिया है नाम, भेजा जा सकता है समन। पुलवामा में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़, 2 जवान घायल। पुलवामा के गांव मारवाल में सुरक्षा बलों ने की घेरेबंदी, घेरे गए 3 आतंकी। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 83,000 नए केस। 24 घंटे में 1,054 लोगों की मौत, देश में 80,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में कोरोना के मामले 49 लाख के पार, 9,90,000 है एक्टिव केस। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में देंगे बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख में एलएसी को लेकर चीन से विवाद पर दोपहर 3 बजे देंगे बयान। राजनाथ ने हाल ही में मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग से की थी मुलाकात। चीन से सीमा विवाद के बीच मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन के विदेश मंत्री से की थी मुलाकात, संसद में इस बातचीत का दिया जा सकता है ब्यौरा। भारत चीन के बीच गतिरोध पर विपक्षी पार्टियां लगातार सदन में कर रही हैं चर्चा की मांग, बीएसए की बैठक में भी उठाया था मुद्दा। चीन से सीमा विवाद के बाद ही कोरोना खस्ता हाल, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर भी सदन में चर्चा चाहता है विपक्ष, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक नहीं तय किया है चर्चा का वक्त। कीर्ति आजाद ने रविशंकर प्रसाद के 2014 के एक ट्वीट को किया पोस्ट, पूछा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दरभंगा में कहां पर खुला है, किसी भाई को मिल जाए ये पार्क तो मुझे बताइएगा। सूत्रों के हवाले से खबर, शिरोमणि अकाली दल का किसान ऑर्डिनेंस को लेकर कड़ा रुख, विरोध का इरादा। जम्मू में सीबीआई ने डोगरा स्वाभिमान संगठन के मुखिया और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के घर छापा, जमीन घोटाले का मामला। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, योगी सरकार सिर्फ नाम बदलने और नंबर बदलने का काम करती है। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी विधायक का भारी विरोध, लोगों ने की नारेबाजी। कैमूर में पेट्रोल पंप के करीब कार में लगी आग, बाल बाल बचे 3 लोग। हाजीपुर में 20 सड़क मची सरकारी अनाज की लूट, रोकने पहुंचे एसडीएम को लाठी डंडों से पीटा। हाईवे पर पलट गया था अनाज से भरा ट्रक, ट्रक के पास पुलिस भी लेकिन नहीं रुके लोग।
गुंटूर में चल रहा था कोविड का इलाज का अवैध सेंटर, पुलिस ने किया सील। गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर फाइल ओवर पर ट्रक पलटा, दूर तक लगा जाम। कोरोना पॉजिटिव हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ट्वीट करके दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में शर्तों के साथ आज से खुल गए जिम, कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने से थी तालाबंदी। दिल्ली में विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सत्र, विपक्ष ने की सेशन को 5 दिनों तक बढ़ाने की मांग। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आपके एक विधायक ने की इस्तीफे की पेशकश, पुलिस के चालान से थे नाराज, अध्यक्ष ने लौटाया इस्तीफा। चुनाव आयोग की टीम ने बिहार में डाला डेरा, तैयारियों को लेकर मुजफ्फरपुर से पटना तक समीक्षा बैठक। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर उठी बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई की मांग, करनी सेना ने समर्थन में निकाला मशाल जुलूस। आनंद मोहन के समर्थन में निकाले गए जुलूस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, प्रशासन रहा खामोश। मंदसौर में मंत्री हरदीप सिंह डंग का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जमकर हुआ विरोध, उपचुनाव प्रचार में पहुंचे मंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। कांग्रेस छोड़कर शिवराज सरकार में मंत्री बने हरदीप सिंह डंग, पूर्व सहयोगियों ने किया सवाल, कल फिर पार्टी बदलेंगे तो हम सब क्या करेंगे। आज ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का प्रचार, भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध में चलाएगा झूठ बोले कौवा काटे अभियान। रीवा में दर्दनाक हादसा, क्योटी झरना देखने पहुंचे 6 युवकों की डूबने से मौत। प्रयागराज से पिकनिक पर रीवा आए थे सभी युवक, मृतक 6 युवकों में 4 के शव बरामद, 2 की तलाश जारी। गोपालगंज में गंडक नदी के सैलाब का कहर, एक स्कूल का शौचालय ढहकर नदी में समाया। कटाव से गंडक नदी में समाया पूरा मजरिया गांव, पीड़ितों ने एक स्कूल में ली शरण, खाने पीने की दिक्कत। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुआ गुवाहाटी, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, निकास नहीं होने से दिखा जलभराव। मुरादाबाद में ढेला नदी पर बना पुल मरम्मत के लिए बंद किया गया, मची अफरा तफरी। बैलगाड़ियों पर बाइक लाद कर लोगों ने ढेला नदी पार करने की कोशिश की, इस दौरान कई ट्रैक्टर नदी में फंसे नजर आए। झुंझुनू में पंजाब पुलिस ने हत्या और लूट के 2 आरोपियों को दबोचा, साथी फरार। पठानकोट में लूटपाट के दौरान क्रिकेटर सुरेश रैना के 2 रिश्तेदारों की हत्या का है आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग को दिखाई हरी झंडी, दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए 15 वाहनों की तैनाती। प्रयागराज में छात्रों ने उठाया प्रतियोगी छात्र की खुदकुशी का मुद्दा, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। अरब सागर में तैनात भारतीय जंगी जहाज आईएनएस तलवार ने ली अमेरिकी मदद, अमेरिकी नौसेना के टैंकर से लिया ईंधन, 2016 में भारत अमेरिका के बीच रक्षा करार का मिला लाभ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 18 साल बाद जीरो लाइन के पास खेती की मिली छूट, डिप्टी कमिश्नर की बीएसएफ के साथ मिलकर बनी रणनीति, अक्टूबर से फसल उगा सकेंगे किसान। अलीगढ़ में चौकीदारों ने वेतन बढ़ाने की मांग की, सीएम योगी को लिखा खत। अब मणिपुर में भी हो सकेगा कैंसर का इलाज, पहले कैंसर अस्पताल बबीना स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। कोलकाता में बीएसएनएल कर्मचारियों ने दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, पिछले साल से अब तक नहीं मिला है वेतन। सितंबर को 70 साल के हो जाएंगे पीएम मोदी, सूरत में इस अवसर पर 70,000 पौधारोपण की तैयारियां, लोगों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए मुफ्त बांटे पौधे। नागालैंड के दीमापुर में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है मशरूम का उत्पादन, डॉक्टर सोशांग लोगों को दे रहे हैं मशरूम खेती की आधुनिक जानकारी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक मरीज तक लंग्स पहुंचाने की में मदद की, बचाई जा सकी जिंदगी, अब तक 8 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हैदराबाद में मानव अंग सप्लाई किया गया है। ग्रेटर नोएडा की दादरी कोतवाली में बाथरूम में मिला बर्खास्त सिपाही का शव, घर से ये कहकर निकला था कि मित्रों से मिलने जा रहा हूं। जेल से जिस्म फरोशी का ऑनलाइन रैकेट चला रही सोनू पंजाबन, स्पा सेंटर का लिया जा रहा सहारा, भाई समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली दंगा केस में आरोपी उमर खालिद के मामले में सुनवाई पूरी, अदालत ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार, 3 छात्राओं के बयान पर पुलिस ने लिया था एक्शन। दिल्ली दंगा मामले में 2 दिनों के भीतर साजिश के एंगल से चार्जशीट जारी करेगी दिल्ली पुलिस, मुख्य किरदारों समेत फंडिंग का होगा खुलासा।
काला हिरन शिकार मामले में बढ़ सकती है सलमान खान की मुश्किलें। 28 सितंबर को पेशी के लिए जोधपुर की जिला अदालत ने जारी किया है आदेश। केदारनाथ आपदा का शिकार हुए लोगों के कंकालों की दोबारा से होगी खोज। 16 सितंबर से 10 ट्रेकिंग रूटों पर शुरू होगा सर्च अभियान। हरियाणा के पलवल में मुफ्त के जूस को लेकर उपद्रव। गुंडों ने एक जूस विक्रेता को बुरी तरह पीटा। दुकान में लाठी डंडे और तलवार लेकर घुसे थे 7 से 8 लड़के। लात घुसे लाठी डंडे से देर तक जूस विक्रेता को पीटते रहे गुंडे। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने मुफ्त में जूस पिलाने से इनकार कर दिया था। और जाते जाते भी वो बोल के गए कि अगर कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की ना तो सीधी गोली मार देंगे। और जाते जाते भी वो बोल के गए कि वाराणसी के शीतलदास अखाड़ा परिसर में अखाड़ा प्रबंधक और किरायेदारों के बीच हुई मारपीट। 6 आरोपी गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा मंडल को पीटा। पैर में हुआ फ्रैक्चर। गंभीर रूप से हुई घायल। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से हड़कंप। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। करोड़ों रुपए के हेरोइन के साथ रजौरी में एक गिरफ्तार। कश्मीर में काम आई सुरक्षा बलों की सतर्कता। बारामूला में वक्त रहते आईडी बरामद। जवानों ने डिफ्यूज किया विस्फोटक। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए ड्रोन। रोड को नुकसान पहुंचाने आए नक्सलियों की तस्वीरें कैद। यूपी के शाहजहांपुर में बीच चौराहे पर युवक की लाठी डंडों से पिटाई। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। फिरोजपुर में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से लोग नाराज। पंजाब के लुधियाना में 2 पुलिस वाले सस्पेंड। टमाटर चोरी के आरोप में कार्रवाई। सीसीटीवी में कैद हुई थी पुलिस वालों की चोरी। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। देसी कट्टे और कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। पश्चिम दिल्ली के खयाला में डबल मर्डर से सनसनी। 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या। यूपी के आजमगढ़ में सामने आया हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने मां बाप समेत 3 को भेजा जेल। कोरोना के असर से 2.25 करोड़ छोटे कारोबार बंद होने की आशंका। व्यापारी संगठनों ने किया दावा। 4th फेज में दिल्ली मेट्रो को हाईटेक बनाने की तैयारी। 1 नेशन 1 कार्ड चलेगा और मोबाइल फोन से भी होगी एंट्री। अब फ्लाइट में भी ले सकेंगे सेल्फी और बना सकेंगे हैं वीडियो। डीजीसीए ने कुछ शर्तों के साथ दी मंजूरी। होंडा की कारों पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट। कंपनी ने अपनी कारों पर दिया 2.5 लाख तक की छूट का ऑफर। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने की रेस में बाजी मार सकती है ओरेकल। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर को बाइट डांस ने किया खारिज। योशिहिदे सुगा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। शिंजो आबे सरकार में संभाल रहे हैं कैबिनेट सचिव का पद। कोलंबिया में जारी है पुलिस बर्बरता के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। बोगोटा में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। लास वेगास पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों से मांगा वोट। अमेरिका में जोरों पर है चुनाव प्रचार। ट्रंप के समर्थन में ल्यूसियाना के एक झील में नावों की रेस। अमेरिका पहुंचे इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। गल्फ देशों के साथ हुए समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर।